हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेमा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट 9 मैं आपको दे रहा हूँ, और इसके पहले मैं प्रैक्टिस सेट 8 तक दे चुका हूँ। और मैं कह रहा हूँ अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, क्योंकि नेवी की भी डेट आ चुकी है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। ठीक है, 9 तारीख से डाउनलोड हो रहे हैं सब, तो इसलिए आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है अब कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सके, मतलब कि बेसिक नीचे से आप प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, मैं कहता हूँ। इसलिए चलिए, ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर जरूर कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में अपने होल आंसर। और चूंकि पिछले वीडियो में आपने ये किया है, तो मैं कंफर्म हूं कि ये क्वेश्चंस भी आप जरूर सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट 9 में मैं टॉप 15 क्वेश्चंस, वही टॉप 15 क्वेश्चन ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर सॉल्व कीजिए। इसको वीडियो को रोक लिया करिए, इसके बाद सॉल्व किया करिए, इसके बाद आंसर दिया करिए। ठीक है, और मैं तो बताऊंगा ही। चलिए, आपके स्क्रीन के सामने आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? यदि एन अवयवों का एक परिमित समुच्चय ए है, तो संबंधों की संख्या जो ए में परिभाषित की जा सकती है क्या है? ठीक है, एन अवयवों का एक परिमित समुच्चय है, ध्यान दीजिएगा। एन अवयवों का कितने अवयव है? एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन, मीन्स 1, 2, 3 डेड कहां तक है? एन तक है, मतलब कि ए की वैल्यू। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एन अवयवों का एक परिमित समुच्चय ए है जो संबंधों की संख्या और ए में परिभाषित की जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है ए टू ए, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू ए फाइंड करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे। ठीक है, जानते हैं तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए टू ए, चूंकि ए टू बी ये कोई हो, ठीक है, ए और दूसरा सेट बी है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए टू बी होता है 2k/m×n, मतलब कि m ए में एलिमेंट की संख्या और बी में n की एलिमेंट्स की संख्या। ठीक है, ये होता है 2k/mn। लेकिन नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए टू ए है इसमें, मीन्स ए टू ए, बी की जगह भी ए ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू ए हो जाएगा 2k/mn, और m की वैल्यू भी n है और n की वैल्यू भी n है, ध्यान दीजिएगा। m की वैल्यू भी n है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट a में वही है जो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा n, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? n, ध्यान दीजिए। आप उस तरह सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो ये हो जाएगा 2k/n का होल ऑफ स्क्वायर, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए टू ए हो जाएगा 2k/n². तो कौन सा आंसर सही है हमारा? देखिए, आंसर नंबर सेकंड सही, ओ सॉरी थर्ड सही है, 2k/n². आप भूल मत जाइए इसको, नंबर ऑफ रिलेशंस नंबर ऑन ए टू ए कह रहा, ए टू बी होता है 2k/m×n। ठीक है, चलिए, आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए उसे, और सॉल्व करके आंसर जरूर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, यदि ए की वैल्यू 1, 2 है, बी की वैल्यू 2, 3 है और सी की वैल्यू 3, 4 है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की गणन संख्या, मतलब एक कल क्वेश्चन मैंने बताया कि गणन संख्या किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट एनी सेट इज कॉल्ड गणन संख्या। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट कोई भी, सपोज दैट ए है, कोई भी ए है सेट, और उसके अंदर कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, वही गणन संख्या इसकी कहलाती है। लेकिन हमें दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिए? ए की वैल्यू दी है 1, 2, लिख देते हैं, ए की वैल्यू दी है 1, 2, 1, 2, और बी की वैल्यू कितनी दी है? ध्यान दीजिएगा, बी की वैल्यू कितनी दी है? 2, 3, 2, 3। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी दी है? 3, 4 दी है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बताइए? ए क्रॉस बी 1, 2, 1, 3, 1, 2, ठीक है, 1, 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 2 और 2, 3, ये हो गया। ठीक है, अब ए क्रॉस बी हो गया, अब ए क्रॉस सी ज्ञात कर लीजिए। ए क्रॉस सी, अब ए क्रॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए क्रॉस सी मीन्स 1, 3, 1, 3, ठीक है, 1, 4,
और टू थ्री और टू फोर, ठीक है ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है इसमें, इसका इंटरसेक्शन मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हमें फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में जो इसमें हो वही इसमें होना चाहिए। तो क्या क्या है इसमें देखिए, इसमें है जो और वही इसमें हो, तो वन थ्री मिल रहा है तो वन थ्री मिल रहा है तो वन थ्री लिख देंगे, ठीक है वन थ्री मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, टू थ्री मिल रहा है तो टू थ्री लिख देंगे। और कुछ मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है तो और बस हो गया। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की गणन संख्या, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने है, ये वन हो गया और ये टू हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है ओनली टू, तो इसकी गणन संख्या कितनी हो जाएगी, गणन संख्या प्रोडक्ट नंबर कितनी हो जाएगी, टू। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, टू, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी। देख लीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की गणन संख्या कितनी हो जाएगी, सी। तो ध्यान दीजिए गणन संख्या कहते किसे है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट नंबर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू वन थ्री टू थ्री, में ये वन हो गया एलिमेंट और ये टू हो गया एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टू, इसलिए इसकी गणन संख्या हो जाएगी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए समझ में आ गया होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए उसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व किया करिए। और आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप ज्यादा से ज्यादा नए सिरे से तैयारी कर सकें, इसलिए ठीक है आप तैयारी करिए, प्रैक्टिस सेट ज्यादा कीजिए। चलिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरिक्त समुच्चय का उदाहरण है, मतलब ये चार जो ऑप्शन दिए हैं इनमें सभी में से एक ऐसा है जो अरिक्त है और बाकी सब रिक्त है, ठीक है ये एक ऐसा है। तो पहला नंबर देखिए, सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो कोई एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ए नंबर में, ए नंबर में हम लिख देंगे, ए नंबर में कौन सा है ऑप्शन, सभी सम अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, सपोज डेट ये ए है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सभी अभाज्य सम संख्याओं की संख्या, तो कोई ऐसी नंबर है जो सम है और अभाज्य भी है, यस दो, दो को सम भी कहते हैं और अभाज्य भी है, ये अभाज्य संख्या भी कहलाती है, ठीक है। और ए नंबर का है ये, ठीक है बी नंबर में देखते हैं, तो हमें कौन सा अरिक्त समुच्चय का उदाहरण देखना था, ठीक है बी नंबर में देखते हैं, एक्स सच डेट ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है और एक्स परिमेय, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, एक्स सच डेट ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है और एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है अर्थात एक्स की वैल्यू वन बाई टू यदि रखें, ठीक है वन बाई टू रखें और इसको सबट्रैक्ट कर दें टू, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, ये वन बाई टू टू बाई थ्री जितने भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है ना रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वन बाई टू सपोज यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा वन बाई फोर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, जीरो आनी चाहिए इस तरफ भी, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, वन माइनस फोर बाई टू फोर, ठीक है इज इक्वल टू जीरो और ये आ जाएगा माइनस का थ्री बाई फोर, डज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं है ना इक्वल टू जीरो, अर्थात ये एम्प्टी सेट है, क्या एम्प्टी सेट है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर जीरो करें रेशनल नंबर में कि जीरो आ जाए, ठीक है ऐसी भी कोई भी संख्या नहीं है कि उस रेशनल नंबर का स्क्वायर करें और उसमें टू सब्ट्रैक्ट करें वो जीरो आ जाए, ठीक है तो ये एम्प्टी सेट हो गया। दूसरा नंबर क्या है, एम्प्टी सेट, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, एम्प्टी सेट, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, एक्स सच डेट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स इज जो है लेस देन एट है और साथ ही साथ एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी भी है। अब इसमें देखिए एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक हम जानते हैं एक से लगा करके आगे तक होते हैं, लेकिन उसकी संख्या क्या है, एक्स की संख्या है जो 8 से छोटी है, तो 8 से छोटी हम मान लेते हैं 6 है, ठीक है लेकिन 12 से बड़ी भी हो तो कैसे 12 से बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ना, अर्थात एक्स की वैल्यू 8 से छोटी भी ले रहा है और वही संख्या 12 से बड़ी भी हो, ऐसी हो ही नहीं सकती, कोई भी संख्या है ऐसी जो 6 से 8 से छोटी भी हो और 12 से बड़ी भी हो, ठीक है नहीं है कोई भी संख्या नहीं है, तो ये भी एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। थर्ड नंबर भी क्या है, अरिक्त समुच्चय है। अच्छा फोर नंबर क्यों नहीं है, देखिए एक्स सच डेट एक्स किन्हीं दो समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु, कोई दो समांतर रेखाएं जा रही है इनका कोई कॉमन बिंदु होगा, कोई भी कॉमन बिंदु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो जब काटेंगे नहीं तो कोई बिंदु ही नहीं होगा, पॉइंट ही नहीं होगा, तो ये भी एक नल सेट है। तो कौन सा
अरिक्त समुच्चय है, केवल पहला नंबर है ऐसा जो अरिक्त समुच्चय है, मतलब कि सिंगलटन सेट है, ठीक है, सम भी है और अभाज्य भी है, ये कहलाती है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय एक अरिक्त समुच्चय है, और नीचे के जो बी सी डी है सभी रिक्त समुच्चय नल सेट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व किया करिए, देखिए क्या कह रहा है। पूर्णांकों के समुच्चय में आर इज इक्वल टू ऐसा है कि ए बी, आर में ए बी ऐसी है कि ए माइनस बी कर दें तो 5 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, आर में एक ऐसी है एलिमेंट है ए बी कि ए माइनस बी करें तो 5 से विभाज्य हो जाते हैं, ठीक है। तो संबंध आर कैसा है, तो आप संबंध जानते हैं ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है, होती है ट्रांजिटिव रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस, और ये यदि तीनों हो जाए तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसको हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या करते हैं हम बताइए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आर इज इक्वल टू है कैसा, आर की वैल्यू कैसी है। आर की वैल्यू है ऐसी कि ए बी ऐसे हैं कि ए में बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमेशा 5 से डिवाइडेबल हो, ठीक है, विभाज्य हो, ऐसे है आर की वैल्यू। अच्छा चलिए हम ए की वैल्यू यहां पे लेते हैं 5, ठीक है, बी की वैल्यू लेते हैं आपको समझने के लिए 10 और सी की वैल्यू लेते हैं 15, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए एक ऐसी संख्या है कि यदि खुद से उसको सब्ट्रैक्ट करें और 5 से विभाज्य हो, ठीक है, तो वो स्वतुल्य है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ले लीजिए, आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए और ए ऐसा है कि ए माइनस ए करें तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो ए माइनस ए की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और 0 एक ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाती है, कितनी वैल्यू आती है, 0, ठीक है। अर्थात ए की वैल्यू यदि ए के ही इक्वल हो तो वो भी 5 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात ये स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक। दूसरा सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए ऐसा होता है कि ए यदि रिलेटेड है बी से, ठीक है, तो बी भी रिलेटेड हो जाएगा ए से, ठीक है, तो इसलिए ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है ए से, तो ए रिलेटेड है बी से और ए माइनस बी की वैल्यू 5 से विभाज्य है, ठीक है, तो बी माइनस ए की वैल्यू भी 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 और माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 5 जो 5 से विभाजित है, ठीक है। और बी माइनस ए लेते हैं तो 10 माइनस का 5, बी की वैल्यू क्या है 10, मैं पहले ले चुका हूं, ठीक है, ये आ जाएगी 5 और बाई 5 इज इक्वल टू 1, है ना। दोनों में ए रिलेटेड टू बी में और बी रिलेटेड टू ए में, बी रिलेटेड टू ए में, इन दोनों में जो है जो संख्या आई है बी माइनस ए या ए माइनस बी वो 5-5 से विभाजित है, ठीक है, अर्थात ये क्या है, सममित भी है, मीन सिमेट्रिक भी है, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा अब क्या है? हमें देखना है ट्रांजिटिव देखना होता है, ट्रांजिटिव मतलब, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव मतलब कि संक्रमक देखना है। तो संक्रमक के लिए ए बी सी, आर की वैल्यू लेते हैं हम ए बी सी, अर्थात ए बी और सी एक ऐसी संख्याएं हैं कि ए माइनस बी 5 से विभाजित है और बी माइनस सी यदि 5 से विभाजित है तो ए माइनस सी भी 5 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी 5 से विभाजित है, बी माइनस सी यदि 5 से विभाजित है, ठीक है, तो ए माइनस सी भी 5 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए यदि a माइनस बी 5 से विभाजित है, b माइनस सी 5 से विभाजित है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 5 से विभाजित होना चाहिए, तो b से b कैंसिल हो जाए तो a माइनस सी भी 5 से विभाजित अब होगा। तो देखिए a की वैल्यू रखिए 5, b c की वैल्यू कितनी है 15 और ये कितना आ गया माइनस का 10 जो कि 5 से विभाजित है, भले ही उसकी वैल्यू माइनस आ रही है, प्लस आ रही है, कुछ भी आ रही है, ठीक है, लेकिन है तो विभाजित, डिवाइजिबल तो है 5 से, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे, इसलिए r की वैल्यू ऐसी है कि ac यदि हो जाए तो a माइनस c भी 5 से विभाजित है,
ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप। तो ये क्या है, संक्रमक भी है। अब देखिए, तो ऐसा संबंध कौन सा है जो सुतुल्य भी है, सिमित भी है, संक्रमक भी है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको यदि तीनों यदि यही हो जाए तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो क्या है इसका नाम आंसर, ये तुल्यता संबंध को व्यक्त करता है। तो आंसर नंबर डी हमारा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशंस मींस तुल्यता संबंध। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप ये। ठीक है, यदि आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने सॉल्व की। अगर ये देखिए, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आते ही है, ध्यान दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन से जरूर देता है। ठीक है, तुल्यता संबंध से देता है, ठीक है, इनटू ऑनटू से देता है और ए क्रॉस बी प्रोडक्ट रिलेशन से देता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, 20 ओनली 5 नंबर क्वेश्चंस में, यदि धन पूर्णांक समुच्चय से सम धन पूर्णांक समुच्चय में एक फलन एफ है, मतलब कि एक धन पूर्णांक समुच्चय है, धन पूर्णांक समुच्चय, सपोज दैट ए एक धन पूर्णांक समुच्चय है जिसकी वैल्यू कहां से 1 to कितनी होनी चाहिए, एन तक होनी चाहिए, 1 to n तक धन पूर्णांक समुच्चय है। ठीक है, और एक ऐसा फलन f है जो fx बराबर 2x द्वारा दिया गया है, तो f क्या है, हमें f की वैल्यू, कोई फंक्शन है f और उसमें ये क्या है, और हमें fx क्या है हमें फाइंड करना है, मतलब कि fx 1-1 है, onto है या मैनी 1 है, into है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, और fx बराबर क्या दिए है, fx इज इक्वल टू दिए है 2x, fx की वैल्यू दिए है 2x, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो क्या करते हैं हम 1-1 और ऑन टू के लिए या इनटू के लिए या मैनी 1 के लिए, मींस एकक आच्छादक, ठीक है, इन सब के लिए क्या करते हैं हम, तो 1-1 के लिए, फॉर 1-1 और ऑन टू, 1-1 और ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो ये 1-1 है, और x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तो ये क्या है, मैनी 1 है। ठीक है, तो हम देखते हैं x1 इसमें रख देते हैं और x2 भी इसमें रख देते हैं, और fx1 इज इक्वल टू fx2 करके देखते हैं, यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो वैल्यू हमारी 1-1 है। ठीक है, कोई भी, तो fx1 रखेंगे तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x1, और fx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब 2 से 2 कैंसिल, अर्थात x1 इज इक्वल टू x2, यहीं से पता चल गया हमें। ध्यान दीजिएगा, 1-1 और मैनी 1 को पता करने के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 रखते हैं, और यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो वो 1-1 है। ठीक है, और यदि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आ गया तो वो मैनी 1 है, तो ये क्या है, 1-1 है, 1-1 है, हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, 1-1 हो गया। अब अच्छा, ऑन टू है या इनटू है को मानने के लिए, चूंकि को डोमेन और रेंज को हम निकालते हैं। ठीक है, तो चूंकि दिए है fx की वैल्यू, दिए है fx की वैल्यू, दिया क्या दिए है, fx को हम क्या मानते हैं, y भी मानते हैं, तो इसकी वैल्यू दी है 2x। ठीक है, अब हम यहां पे ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या ले लेते हैं, ये आप जानते होंगे इसको, ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू होती है x की और ये होती है yx की, ठीक है, y की, ठीक है, fx की। ठीक है, तो अब इसमें x क्या कहलाता है, x कहलाता है कोडोमेन और y कहलाता है रेंज, तो ये होती है कोडोमेन, ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन और ये होती है रेंज, आप जानते हैं ना, ये कोडोमेन होती है x की संख्या और ये रेंज होती है, और यदि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स रेंज से समान इमेज रखता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें उतने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हो जाए, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ऑन टू हो जाएगी, और यदि नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, इन टू। अब इसमें रखते हैं, यदि एक्स की वैल्यू 1 रखें, एक्स की वैल्यू क्या रखें, 1, तो यहां से एक्स की वैल्यू 1 ले रहे हैं हम, तो एक्स की वैल्यू यदि 1 रखें तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 2 क्या है, एफ की वैल्यू, पहले कह रहा है कि एफ एक सम धन पूर्णांक का समुच्चय है, तो ये सम धन पूर्णांक आनी चाहिए इसमें, क्या आनी चाहिए, सम धन पूर्णांक, और वाई की वैल्यू क्या है, 2, और 2 एक सम धन पूर्णांक है, कहलाता है 2, 2 को सम कहते हैं। ठीक है, अर्थात 1 रखने पर सम धन पूर्णांक आ रहा है, 2 रखिए
वाई एक्स बराबर दो रखने पर, तो एक्स बराबर जैसे ही दो रखेंगे तो ये फोर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो टू जा फोर, और फोर भी एक समधन पूर्णांक है। थ्री रखेंगे तो थ्री टू जा सिक्स आ जाएगा, अर्थात ये भी एक समधन पूर्णांक है। फोर रखेंगे यहाँ पे तो ये एट आ जाएगा, फाइव रखेंगे तो टेन आ जाएगा, सिक्स रखेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व, अर्थात हम यहाँ पे कोई भी विषम भी संख्या रखेंगे तो यहाँ पे सम संख्या ही आएगी, अर्थात कोडोमेन की जो होगी संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वन टू थ्री डेट डेट डेस, वो रेंज जो होगी टू फोर सिक्स और एट डेट डेट डेस इक्वल होगी, अर्थात कोडोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा रेंज के, और यदि ये हो जाए तो ये हो जाता है ऑन टू मीन्स आच्छादक, ठीक है। यदि इसमें एक ऐसा एलिमेंट होता मान लो थर्टीन हो जाता तो थर्टीन कोई भी संख्या रखने पर इसमें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, सिक्स रखने पर प्राप्त होता है, ट्वेल्व सेवन रखने पर फोर्टीन प्राप्त हो जाएगी, अर्थात थर्टीन कोई थर्टीन जो है इसका कोई भी इमेज नहीं होता, तो ये हो जाएगी क्या इनटू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाती है इनटू, क्या रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, यदि हो जाए तो ये हो जाती है इनटू, तो इसलिए क्या है ये ऑन टू है और वन वन भी है, तो अब देख लीजिए आंसर क्या है इसका, एकाएकक परंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक परंतु एकाएकक नहीं है, यस एकाएकक और आच्छादक दोनों है, क्या है आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट है कि वन वन भी है, एकाएकक को कहते हैं वन वन और आच्छादक को कहते हैं ऑन टू, ठीक है, तो वन वन भी है और ऑन टू भी है, अर्थात आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट है। आई होप ये आप समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि फ्रेंड्स पहली बार चैनल पे आए थे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट कराना चाहता हूँ और आपके रिस्पांसिबिलिटी का इंतजार मुझे, ठीक है, क्योंकि आपने रिस्पांस किया यदि तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिस सेट जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए ये मेरा प्रैक्टिस सेट नाइन है, और यदि इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है टॉप 15 क्वेश्चन बताता हूं इसमें जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, एनडीए में आए हैं, जो आईएफ में आए हैं, नेपी में आए हैं, आपके द्वारा ही बताए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए, उसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व किया करिए, ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई जहां आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन है का वर्गमूल क्या, मीन्स आई का वर्गमूल हमें फाइंड करना है, तो आई का किसी का वर्गमूल फाइंड करने के लिए आप लॉन्ग मेथड मत अपनाइए, सिंपल सा शॉर्ट मेथड है इसमें, ठीक है, आई की वैल्यू हम फाइंड करनी है, तो चूंकि आई को क्या लिख सकते हैं हम, आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, लिख सकते हैं आई को अंडर रूट लगा दो, तो इसको अंडर रूट, चूंकि आई अंडर रूट आई की वैल्यू है फाइंड करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो प्लस आई साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, तो आई हो जाएगी, लिखा हुआ ही है, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई के पावर आई पाई बाई टू, ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर i पाई बाई टू के पावर एक बटे दो, ठीक है, अब इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो e के पावर i पाई बाई फोर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा वन का ऊपर और टू का नीचे, तो e के पावर i पाई बाई फोर, और इसको क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई फोर प्लस i sin पाई बाई फोर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, वन अपॉन रूट टू प्लस i वन अपॉन रूट टू, अर्थात इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन रूट टू कॉमन है वन प्लस आई, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल सा आंसर बताइए, आंसर नंबर सी करेक्ट है, वन प्लस आई अपॉन रूट टू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, और यदि उत्तर में आएगा तो हम मानेंगे कि अंडर रूट आई की वैल्यू इज इक्वल टू सॉरी हाँ अंडर रूट आई की वैल्यू हो जाएगी एक्स वो ए प्लस आई बी, और ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसमें रखेंगे, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो सीधे सीधे ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सिंपल क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, ये एनटीए में आया है, क्योंकि वहां पे ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे जो क्वेश्चन उठा लीजिए, यदि ट्रिकी बेस्ड ना हो तो बताइएगा, कोई भी लॉन्ग मेथड में नहीं देगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, यही एलिजिबिलिटी वहां पे आईक्यू टेस्ट होता है लड़के का, कि ये कितना जल्दी से लगा लेते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व किया करिए, देखिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए, क्या कह रहा है,
कि यदि जेड बराबर माइनस का जेड बार हो, मतलब कि कंजुगेट हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए नंबर सही है, बी नंबर सही है और सी नंबर सही है। ठीक है, तो हम पहले से ही डाले ले रहा हूं मैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, ये कौन सा सही है हमें बताना है। और जेड बराबर जेड बार दिए है, माइनस का जेड बार। लेट मान लेते हैं कि जेड की संख्या क्या है, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का आई वाई। ठीक है, लेकिन क्या रख रहा है, जेड बराबर माइनस जेड बार, तो लिख देते हैं एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स, अंदर सीधे मल्टीप्लिकेशन मैं करा रहा हूं। ठीक है, माइनस का एक्स और प्लस का आई वाई। अब ये कब बराबर होंगे, अर्थात इधर की संख्या और इधर की संख्या कब बराबर होगी, बताइए। आई वाई बराबर है, आई वाई बराबर है, एक्स यह है, ये माइनस एक्स है, अर्थात जो रियल टाइम है वो जीरो हो जाए तो फिर आई वाई इक्वल टू आई वाई हो जाएगी। ठीक है, तब बराबर हो जाएगी। तो ए नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कौन सा एक सही है, तो देख लीजिए। ए नंबर कह रहा है जेड का वास्तविक भाग शून्य है, जेड का वास्तविक भाग, अर्थात इसका जो है वास्तविक भाग क्या है, ये शून्य होना चाहिए। तो यदि शून्य हो जाएगा तो यस, शून्य हो जाएगा तो आई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई इज इक्वल टू आई वाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर चाहिए हमें, जिसमें बराबर आ जाएगा वही आंसर सही है हमारा। ठीक है, अच्छा बी नंबर क्यों नहीं सही है, जेड का काल्पनिक भाग शून्य हो, काल्पनिक भाग को शून्य करेंगे तो ये बचेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स, और ये तो डज नॉट इक्वल टू है। एक्स की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल हो सकती है क्या, क्या माइनस टू की वैल्यू, वो टू की वैल्यू माइनस टू के इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो इसलिए एक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, अर्थात बी की वैल्यू हम नहीं ले सकते, बी हमारा करेक्ट नहीं है। अच्छा सी नंबर देखिए, सी नंबर क्यों नहीं करेक्ट है, जेड का वास्तविक भाग जेड के काल्पनिक भाग के बराबर है, अर्थात एक्स इज इक्वल टू आई वाई लिख रहा है हमें, एक्स इज इक्वल टू आई वाई यदि कर दें तो बराबर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, रख देते हैं एक्स इज इक्वल टू आई वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है आई वाई, तो आई वाई रख देते हैं और प्लस आई वाई रख देते हैं, और इज इक्वल टू माइनस का आई वाई रखते हैं यहाँ पे और प्लस का आई वाई, और ये हो जाता है टू आई वाई, लेकिन ये हो जाता है जीरो, जो डज नॉट इक्वल टू है। टू आई वाई जीरो के इक्वल है क्या, नहीं है ना, अर्थात ये इक्वल होनी चाहिए, इक्वल के इस तरफ वैल्यू सेम होनी चाहिए, इक्वल के उस तरफ वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, वही आंसर चाहिए। तो सी नंबर भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला डी नंबर में क्यों नहीं सही है, जेड के वास्तविक एवं काल्पनिक भागों का योग जेड है, जेड के वास्तविक और काल्पनिक भागों का योग जेड है। ध्यान दीजिएगा, जेड की वैल्यू दिया है एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू जेड है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू तो जेड है ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा एक सही हो जाएगा, जेड का वास्तविक भाग शून्य हो तब ये जेड बराबर माइनस जेड बार हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, जेड का यदि वास्तविक भाग रियल पार्ट यदि जीरो हो जाए तब आई वाई इज इक्वल टू आई वाई हो सकते हैं, और नहीं न तो बी हो सकता है, न ही सी हो सकता है, न ही डी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए तो प्लीज लाइक कीजिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लाइक कीजिए प्लीज, एक बार लाइक करके शेयर जरूर कीजिए प्लीज फ्रेंड्स, एक बार शेयर कर सकते हैं आप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सॉल्व कीजिए उसको, और सॉल्व करने के पश्चात आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। ठीक है, क्योंकि कई लोगों के आंसर आते हैं, ज्यादा नहीं आ पाते आप लोगों को, यदि हाँ यदि आप सॉल्व करते होंगे 13/15 इस टाइप से आप आते हैं। चलिए, जेड की वैल्यू दी है 1 cos π/2 π/5 i sin π/5, तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए, जेड की वैल्यू क्या दी है, जेड की वैल्यू दी है 1 cos π/5 cos π/5 प्लस आई साइन पाई बाई फाइव। ठीक है, तो हमें पहले ए प्लस आई बी में बनाना है, ये तो ए प्लस आई बी में तो है, लेकिन इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं एक सिंपल तरीके से, यदि आप करेंगे उस तरह में भी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करने पर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। मैंने कहा ना वहां पे आप ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन अपनाइए, सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या होता है, 1 cos π/5 को क्या लिख सकते हैं, 2 cos²π/10 लिख सकते हैं, 1 cos π/2 को, भाई cos थीटा होता है, cos थीटा क्या होता है, 2 cos²θ/2 और -1। ठीक है, तो 2 cos²θ/2
इधर आ जाएगा यदि माइनस का वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस, तो वन प्लस कॉस थीटा को क्या रख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ठीक ठीक है इसी में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पूरी वेल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू मीन्स पाई बाई फाइव और फिर टू मीन्स पाई बाई टेन, और प्लस इसको भी लिख देते हैं टू साइन साइन टू थीटा में खोल देते हैं, तो आई इंटू टू साइन पाई बाई टेन आ जाएगा पाई बाई टेन इंटू कॉस पाई बाई टेन। ठीक, अब कॉमन ले लेते हैं टू कॉस पाई बाई टेन कॉमन है सबसे, ठीक है, तो ये बचेगा कॉस पाई बाई टेन प्लस आई साइन पाई बाई टेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस तरह में करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा ये टू कॉस पाई बाई टेन और e के पावर i पाई बाई टेन लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब मॉड ले लीजिए, अब मॉड ले लीजिए, ठीक है, नहीं है ना प्लस माइनस कुछ, अर्थात ये बाहर निकल आएगा पॉजिटिव रूप में टू कॉस पाई बाई टेन, ठीक है, और ये मॉड आप e के पावर i पाई बाई टेन, इसकी वैल्यू होती है वन, क्योंकि किसी की वैल्यू e के पावर i थीटा यदि मॉड ले तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है वन के इक्वल होती है, इसलिए e के पावर i पाई बाई टेन की वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी, तो ये ओनली बचेगा टू कॉस पाई बाई टेन, ध्यान दीजिएगा इंटू वन, तो आंसर क्या आ जाएगा टू कॉस पाई बाई टेन की वैल्यू। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड की किसके बराबर है बताइए, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा टू कॉस पाई बाई टेन, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट है, आई होप समझ गया होंगे। अब यदि कॉस स्क्वायर वन प्लस कॉस पाई बाई टू का होल आप स्क्वायर करते प्लस साइन स्क्वायर थीटा करते, ठीक है, तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ता, अब आप सिंपल से इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल से आ जाएगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व किया करिए, देखिए क्या कह रहे हैं, यदि एक काल्पनिक घनमूल ओमेगा है तो टू माइनस ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर के पावर सत्ताईस की वैल्यू क्या दी है, टू माइनस ओमेगा और प्लस टू ओमेगा स्क्वायर के पावर 27 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान दीजिएगा आप एक वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सिंपल ही है, लेकिन आप सोचेंगे कि ये सिंपल क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जीरो होती है, इसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो, ठीक है, तो क्या हो जाएगी वन की वैल्यू, क्या हो जाएगी वन की वैल्यू हो जाएगी, यहां से वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यहां पे रख देते हैं, क्या हो जाएगी यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगी टू और माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर में जब टू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का टू ओमेगा और माइनस का टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो सीधे सीधे रखे दे रहा हूं मैं, तो माइनस का टू ओमेगा और माइनस का टू ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा प्लस का टू ओमेगा स्क्वायर, हमने इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसमें रखने पर फिर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने इसको नहीं रखा, इसलिए वहां पे थोड़ी सी, यही तो होता है आईक्यू थोड़ी सी, कि तुरंत पहचान लेना कि कौन सी वैल्यू रख दे तो छोटा हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, ये टू ओमेगा से टू ओमेगा कैंसिल हो गए, ये टू ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये टू ओमेगा बचा टू ओमेगा और एक और ओमेगा, तो माइनस का थ्री ओमेगा के पावर 27, अर्थात माइनस का 3 के पावर 27 इंटू ओमेगा के पावर 27, और ओमेगा के पावर 27 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब के पावर 9, 9 3 27, ठीक है, अर्थात इसकी वैल्यू और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो बचेगा क्या माइनस का 3 के पावर 27, तो आंसर कौन सा आ गया हमारा, देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा आ गया, 3 के पावर माइनस 3 के पावर 27, ध्यान दीजिएगा 3 के पावर 27 नहीं आ रहा, तो आंसर नंबर कौन सा है हमारा डी माइनस का 3 के पावर 27। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 पर आपके पास 10 है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है स्क्रीन पे, चलिए सॉल्व कीजिए उसको, सॉल्व करने के पश्चात आंसर जरूर दीजिए, क्या कह रहे हैं 1 प्लस i / 1 - i / n, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस i और अपान 1 - i / n इज इक्वल टू 1 दिए है, ये कब हो सकता है, अर्थात n की वैल्यू क्या हो जाए, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि 1 प्लस i / 1 - i / यदि कर दे उसको तो 1 आ जाए। ठीक है, तो आप इसकी पूरी वैल्यू जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है, 1 प्लस i और अपान 1 - i और एक होता है 1 - i / 1 + i, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है प्लस का i, सीधे सीधे रख दीजिए प्लस का i, और इसकी वैल्यू होती है माइनस का i। ठीक है, इस पूरी की वैल्यू क्या होती है प्लस का i, और इस पूरी की वैल्यू क्या होती है माइनस का i। ठीक है, चलिए आप जरूर जानते होंगे
मैं जानता हूं आप जानते होंगे। चलिए ये हो जाएगा प्लस आई, अर्थात आई के पावर एन है, ये आई के पावर एन इज इक्वल टू वन। ये कब हो सकता है, एन की वैल्यू क्या हो जाए कि आई की पावर लगा दें तो वो वन की इक्वल हो जाए। तो वन रखें एन की वैल्यू तो हो जाएगी आई, टू रखें तो आई स्क्वायर मीन्स माइनस वन हो जाएगा, थ्री रखें तो माइनस का आई आ जाएगा, लेकिन फोर रखें तो फोर हो जाएगा आई स्क्वायर और इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और मल्टीप्लीकेशन माइनस वन इज इक्वल टू प्लस का वन, अर्थात एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हो जाए फोर। एन की वैल्यू फोर रख दे हम तो आंसर वन की इक्वल आ जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा कि एन इज इक्वल टू फोर के लिए संभव है, एन इज इक्वल टू फोर के लिए, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पश्चात यह आ जाएगा तो काफी देर लग जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू हम सीधे सीधे लर्न करते हैं। वन प्लस आई अपन वन माइनस आई की वैल्यू प्लस का आई होती है और वन माइनस आई अपन वन प्लस आई की वैल्यू माइनस का आई होती है। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए उसे, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर सॉल्व किया करिए, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए, क्या कह रहा है कि सीरीज अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 32 के एन पदों का योगफल फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन अपनाएंगे हम, बिल्कुल सिंपल ट्रिक होता है। क्या है योगफल, क्या है वैल्यू दी है ए बी सी डी में, तो क्या है इसकी वैल्यू एन पदों का योगफल। तो हम एन पदों का योगफल यदि निकालेंगे, पहली बात तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यदि हम एक पद का योगफल निकाल लें और अंडर रूट टू आ जाए, ध्यान दीजिएगा एक पद का योगफल निकाल लें और अंडर रूट टू आ जाए, ठीक है, तो हमारा सिंपल सी बात है, हम सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक है, तो एन की वैल्यू वन रखते हैं अर्थात एक पद का योगफल, और पहला पद क्या है अंडर रूट टू, अर्थात ऑप्शन में एन इज इक्वल टू वन रखने पर यदि अंडर रूट टू आ रहा है तो हमारा वही सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में क्या कह रहा है, एन एन माइनस वन मीन्स वन वन माइनस वन क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, अर्थात ये तो होगी नहीं। दूसरे में क्या कह रहा है, टू एन अर्थात अंडर रूट टू और एन माइनस वन अर्थात ये भी जीरो हो गया, कोई बात नहीं। सी नंबर में क्या कह रहा है, एन एन प्लस वन मीन्स वन वन प्लस हो जाएगी टू और अपान अंडर रूट टू, ये हो सकती है, टू से टू कैंसिल हो गया, मतलब कि अंडर रूट टू ऊपर अंडर रूट टू का होल आप इसको लिख सकते हैं ना, इसको तो ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या अंडर रूट टू, अर्थात सी नंबर ऑप्शन में एन इज इक्वल टू वन रखने पर अंडर रूट टू अर्थात पहला पद प्राप्त हो रहा है, अर्थात एन इज इक्वल टू वन रखने पर मीन पहले पद का योगफल हमें प्राप्त हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा डी नंबर देख लीजिए, डी में से शायद प्राप्त हो, क्योंकि यदि दो में प्राप्त होता है तो फिर एन इज इक्वल टू टू रखेंगे और फिर टू मतलब कि अंडर रूट एट भी प्राप्त होना चाहिए हमें। ठीक है, जब दो रखेंगे, तीन रखेंगे तो प्लस अंडर रूट जो आगे है अंडर रूट 18 तो वो भी प्राप्त होना चाहिए हमें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वन और टू रखने पर आ जाती है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, डी नंबर में क्या है, देखिए एन एन माइनस वन अर्थात वन वन माइनस वन अर्थात ये भी वैल्यू जीरो है, अर्थात हमारा आंसर कौन सा सही है, सी नंबर आंसर सही है। आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप ये जानते होंगे तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, और नहीं जानते तो मैं सिंपल से एक मिनट बताता हूं कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन दिए कि सीरीज के एन पदों का योगफल क्या है और ऑप्शन में भी एन की वैल्यू से ही आंसर दिए, ठीक है, तो एन की वैल्यू हम वन रखते हैं और एक पद का योगफल अर्थात पहली ही संख्या प्राप्त हो जाए सीरीज की हमें, ठीक है, तो वही आंसर होता है। आंसर में एन इज इक्वल टू वन रखते हैं और पहली ही संख्या प्राप्त हो जाए तो हमें आंसर वही होता है। ठीक है, आई होप इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका आंसर है, पसंद आएगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन हमें समझ में आएंगे, दो क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर ही दो क्वेश्चन है, मतलब कि मैं बताऊंगा कैसे। क्या कह रहा है, प्रेक्षण एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्सएल का गुणोत्तर मात्र जीवन, ठीक है, एक्स वन ध्यान दीजिएगा एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री डेट डेट डेस कहां तक है, एक्सएन का गुणोत्तर माध्य क्या है, जीवन है, ठीक है, और एक्स वाई वन वाई टू वाई थ्री और डेट डेट डेस वाई एन का जी टू है, ठीक है, तो एक्स वन अपान वाई वन और एक्स टू अपान वाई टू और एक्स थ्री अपान वाई थ्री डेट डेट डेस एक्स एन अपान वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स जीवन उसका गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, तो इसके हम जी फाइंड करें गुणोत्तर माध्य, ध्यान दीजिएगा तो जी की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ए बी, और अंडर रूट ए बी कैसे होती है, ए बी दो पद ले रहे हैं ना, तो दो पद के पावर वन बाई टू, मीन्स यदि दो पद है तो वन बाई टू, तीन पद होते ए बी सी तो क्या हो जाती है
ए बी सी के पावर 1/3 हो जाती है, चार पद होते हैं तो चार। आई होप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है जी की वैल्यू, जो गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो पहले में गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, जीवन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कामा में है रखे हैं अभी, अभी हमें फाइंड नहीं किया, तो जीवन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू डेड डेड डेस एक्स एन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n। ठीक है, अब फाइंड हो गया जीवन की वैल्यू। जी टू की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी, जी टू इज इक्वल हो जाएगा वाई वन वाई टू डेड 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 डेस वाई एन के पावर 1/n। ठीक है, अब हमें एक्स वन अपॉन वाई वन, तो इसका इसमें डिवाइडेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वन अपॉन वाई वन इंटू एक्स टू अपॉन वाई टू इंटू डेड डेड डेस एक्स एन अपॉन वाई एन। इसमें भी एन एलिमेंट है, ये वन एलिमेंट हो गया, ये टू, ये डेड डेड डेस थ्री, तो इसके पावर में क्या लग जाएगा, वन अपॉन एन, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करना, अर्थात ऊपर ऊपर की संख्या अब अलग है, नीचे नीचे की संख्या अलग है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वन इंटू एक्स टू डेड डेड डेस एक्स एन के पावर वन अपॉन एन, लिख सकते हैं ना, जैसे टू बाई थ्री के पावर फोर है तो इसको लिख सकते हैं टू के पावर फोर और अपॉन थ्री के पावर फोर, लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो इसी तरह ये भी है, ऊपर वाली संख्या अलग है, मल्टीप्लिकेशन में है चूंकि, इसलिए ऊपर वाली संख्या अलग हो जाएंगी, तो उसके पावर वन अपॉन एन और नीचे के पावर भी वाई वन इंटू वाई टू डेड डेड डेस वाई एन के पावर वन अपॉन एन, और इसकी वैल्यू क्या है जीवन, और इसकी वैल्यू क्या है जी टू, ये आ जाएगी जीवन अपान जी टू। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जीवन अपान जी टू। और एक बात और है, आंसर नंबर इसका कौन सा है, हमारा सी सही है। एक बात और है, ध्यान दीजिएगा कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन दिए कि यदि जी की वैल्यू दी है, मतलब एक गुणोत्तर श्रेणी इस टाइप से दी है और एक गुणोत्तर श्रेणी इस टाइप से दी है, तो यदि हम पहली गुणोत्तर श्रेणी में दूसरी गुणोत्तर श्रेणी का मीन्स जीपी का यदि हम डिवाइडेशन करते हैं तो होने वाली जो सीरीज होगी हमेशा जीपी ही होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि पहली जीपी की वैल्यू ये है, दूसरी जीपी की वैल्यू ये है, तो हम यदि पहली जीपी में दूसरी जीपी का भाग दे दें, डिवाइडेशन करते हैं, तो बनने वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये समझ में आया हमारे यहां से। ठीक है, चलिए, आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने सॉल्व कीजिए, क्या करिए देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, क्या दे रहा है, लॉग थ्री बेस में लॉगरिथम से, लॉग थ्री बेस में है, फिर लॉग अंदर है थ्री बेस में है, और फिर लॉग थ्री बेस में एक्स है, लॉग थ्री बेस में एक्स है, और इसकी वैल्यू दी है कितनी, लॉग थ्री बेस में थ्री, लॉग थ्री बेस में थ्री, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी, एक्स की, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि एक बात और बता दें कि लॉग ए बेस में हो और बी हो और इज इक्वल टू सी हो, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू हो जाएगी ए के पावर सी, क्या हो जाएगी, ए के पावर सी, यदि लॉग को हम हटाते हैं तो, लॉग को यदि हटाते हैं तो बी की वैल्यू हो जाएगी ए के पावर सी। ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्मूला इसमें लागू होगा, तो ये क्या है, ये ए है और ये पूरा क्या है, ये बी है, पूरा क्या है, बी है। ठीक है, और ये तो हमारी ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि लॉग थ्री बेस में थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं वन, जो कि बेस इक्वल हो और ये डिजिट यदि इक्वल है तो इसकी वैल्यू वन हो जाती है, तो इसकी वैल्यू वन हो गई। ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो हम लिखेंगे b की वैल्यू, अर्थात इसकी वैल्यू, तो b की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, अर्थात log 3 बेस में, log 3 बेस में x की वैल्यू हो जाएगी ये 3 और ये 1। ठीक है, तो a है और ये 1 है, अर्थात a की पावर 1, अर्थात 3 की पावर 1। ध्यान दीजिएगा, ये a है और ये c है, क्या हो जाती है, a की पावर c, अर्थात a की पावर c, तो 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसी तरह फिर और करेंगे, तो ये लॉग थ्री हटेगा, ये हो जाएगा लॉग थ्री बेस में एक्स की वैल्यू हो जाएगी थ्री, आ गया इसकी वैल्यू, और थ्री की पावर क्या जाएगी, थ्री, क्योंकि यहां पे क्या था, थ्री। ठीक है, तो थ्री की पावर थ्री हो जाएगा, अर्थात तीन त्रिकाई नौ नतिया 27। और अब यहाँ पे एक बचा है, लॉग थ्री बेस में एक्स इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये मैंने बताया था ना कि लॉग यदि ए बेस में
क्या हो, बी हो इज इक्वल टू सी हो, तो इसको बी इज इक्वल टू रख सकते हैं ए की पावर सी। यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू एक्स है, सी की वैल्यू 27 है, तो इसको हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू ए की पावर सी, मतलब कि 3 की पावर 27। आप 27 की पावर 3 मत कराइएगा, क्योंकि वहां पे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में ये फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से ही खुल रहे हैं सब। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 के पावर 27 आ गई। आंसर नंबर कौन सा हमारा सही है, आंसर नंबर डी सही है, 3 के पावर 27। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सॉल्व कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि यदि a की वैल्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जानते हैं ना किसमें, अव्यूह डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में, ठीक है, तो जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x किसके इक्वल है, और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं कि यदि a की वैल्यू सिमेट्रिक है, कह रहा है कि a की वैल्यू सिमेट्रिक है, तो x किसके इक्वल होगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, आप सॉल्व कीजिए, मैं बता रहा हूं, नहीं तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, हम सिमेट्रिक दिखाने के लिए ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज ले लें और वो ए के ही इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक होता है, और ए का ट्रांसपोज ले लें और वो माइनस ए के इक्वल हो जाए तो इसको सिमेट्रिक होता है, सममित और प्रतिसममित, ठीक है। तो ये कह रहा है ए ट्रांसपोज ले लें तो वो ए के इक्वल है, अर्थात ए की वैल्यू दिए है 4, ठीक है, 4 टू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 ये दिए, और इसका ट्रांसपोज ले लें मतलब कि रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम जो है रो में चले जाएंगे। तो कह रहा है कि a डैश a की वैल्यू a डैश a t के इक्वल है, अर्थात ये हो जाएगी 4 एक्स प्लस 2 और 2 एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1, ठीक है, ये ट्रांसपोज है, मैंने रो को कॉलम में कर दिया, कॉलम को रो में कर दिया, ठीक है, रो को कॉलम में किया, देखो 4x प्लस 2 2x माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक है। अब यदि इस तरह है ये, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इक्वल है तो प्रत्येक एलिमेंट बराबर होना चाहिए, इसलिए हमें x की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यदि प्रत्येक इक्वल है तो एक्स प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल होना चाहिए, 2x माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल होना चाहिए, 4 इक्वल है, x प्लस 1 भी इक्वल है, तो रख देते हैं कि 2x यदि इस तरह है तो 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2, और उस तरह यदि हम सॉल्व करेंगे कि इसका भी इसमें करें, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करें, इसका इसमें, तो बहुत टाइम हो जाएगा हमारे पास, उतना टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो 2x से 1x चले गए, तो क्या बचा यहाँ पे x, और ये 3 को उधर ले जाओ, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, अर्थात x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो आंसर नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, आंसर नंबर हमारा करेक्ट है डी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप ये सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करिए, आपको करना है, आपकी स्क्रीन के सामने जरूर कीजिए। चलिए क्या कहते हैं, सारणिक 1 2 3 4 5 6 5 8 9 में 4 का सहखंड क्या है, मीन्स को फैक्टर आपको फाइंड करने, को फैक्टर फाइंड कर लेते हैं ना, लेकिन को फैक्टर फाइंड करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, वहां पे सावधानी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सावधानी बरतेंगे तभी, क्योंकि माइनस और प्लस में ही अंतर होता है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, माइनस भी रख देता है, माइनस का 4 और प्लस का 4, आप नहीं हो पाते उसमें कि ये माइनस का 4 होगा कि प्लस का 4, और होता है कभी प्लस है कभी माइनस है, तो आप प्लस माइनस में से गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है सारणी के 1 2 3, चलिए जल्दी से कीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 सारणिक दी है, कोई सारणिक सपोर्टेड क्या दी है, सपोर्टेड कोई सारणिक की वैल्यू a दी है, तो a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू ध्यान दीजिए, a की वैल्यू हो गई, सारणिक दिए है 1 2 3 और 4 5 6 और 5 8 9, क्या कह रहे हैं, 4 का को फैक्टर फाइंड करना है, अर्थात 4 का को फैक्टर, अर्थात ये कट गए और ये कट गए, ठीक है, को फैक्टर फाइंड करने के लिए ये कट गए और ये कट गए, लेकिन 4 में 4 किस में सिचुएशंस है, ठीक है, 4 कहां पे किस स्थिति में है, दूसरे रो में है और पहले कॉलम में, अर्थात m की वैल्यू क्या है इसमें 2 है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू मींस रो है ये और ये कॉलम है, कॉलम की वैल्यू क्या है, कॉलम फर्स्ट में है, ये कॉलम है, अर्थात रो में पहले सेकंड रो में है और पहले कॉलम में, सेकंड रो में पहला रो ये हो गया, सेकंड रो हो गया थर्ड रो, और पहला कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो पहले दूसरे रो में और पहले कॉलम में है, ध्यान दीजिएगा बस यहीं पे फर्क होता है,
तो को फैक्टर ऑफ फोर, तो ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ फोर, टू थ्री एट और नाइन। लेकिन यहां पे माइनस वन के पावर एम प्लस एन होता है, अर्थात रो प्लस कॉलम, तो रो किसकी है, दो, प्लस कॉलम कितना है वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस का वन, हो जाएगा माइनस का वन, चलिए माइनस का वन हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, दो नाम अट्ठारह, माइनस का अड़तीस चौबीस, अर्थात माइनस का एक और गुणे में आ जाएगा अठारह में चौबीस, चौबीस में अठारह गया कितने बचा, छह, छह बचा, लेकिन कहे का बचा माइनस का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस, अर्थात प्लस का सिक्स आ जाए, अर्थात फोर का जो आंसर आएगा को फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, को फैक्टर की वैल्यू सिक्स। आंसर नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, देखिए सी नंबर करेक्ट है हमारा, और माइनस का सिक्स भी दिया था। तो ये प्लस और माइनस में डिफरेंट मत कीजिएगा, वहां पे जल्दी जल्दी तो करनी ही नहीं है, एक क्वेश्चन कीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, और माइंड में आप ये मत बैठाइए कि कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा। आएगा क्यों नहीं आएगा, भले ही शॉर्टकट मेथड से नहीं आएगा तो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगा बस, लेकिन करना जरूर है, बस सिंपल सी बात है। और ध्यान दीजिएगा निगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, तो निगेटिव मार्किंग रहने के कारण आप वही क्वेश्चन कीजिएगा जो आ रहे हो, तुक्का मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपने ग्रुप में, ठीक है, और उनको बताइए कि यहाँ पे ट्रिकी मैथ चल रही है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।